So hey guys, what's up? This is Vinay and you are watching Macho Man. So guys, आज आपके लिए कुछ यूनिक सा कंटेंट फिर से लेके आए हम लोग, जो कि है लेग वर्कआउट। जैसा आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, शोल्डर बिगिनर्स वर्कआउट हमने लाए थे, उसी तरह आज एक लेग वर्कआउट हम लोग आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। ये वर्कआउट ऐसा था जो कि मेरे लिए बिगिनिंग में मेरे लिए बहुत काम किया था ये वर्कआउट। उसकी कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेज मैं आपको आज बताऊंगा, जो कि मेरे लिए स्टार्टिंग में मेरे लेग्स ग्रो करने में बहुत मदद किया था। उसकी कुछ ऐसी 5 एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगा। मेरा पिछले वीडियो आपने देखे नहीं होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं। ओके सो गाइस, आपको अभी वार्म अप के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए दिखाते हैं गाइज। मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि वार्म अप हमको करना चाहिए। वार्म अप इसलिए इतना ज़रूरी होता है ताकि हमारे बॉडी के जो पूरे मसल फाइबर्स होते हैं, जो अच्छे तरीके से स्ट्रेच होने चाहिए वर्कआउट के पहले, वो हम करते नहीं हैं, इसलिए हमारे बॉडी में इंजरीज होती है। तो आप इसका एक सेट ज़रूर लगाएं वर्कआउट के पहले और फिर ही वर्कआउट स्टार्ट करें। तो आइए फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि है बारबेल स्मिथ मशीन स्क्वाड्स। इसके हम लोग 3 से 4 सेट्स लगाएंगे 12 से 15 रेपिटेशंस के लिए। ये एक्सरसाइज इसलिए इतनी ज़रूरी है ताकि आपके पूरे ओवरऑल लेग का डेवलपमेंट करने वाला है, जो कि 3D लेग्स लुक आता है। इसको आप ज़रूर से ऐड करिए। चलिए सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि है लेग एक्सटेंशन मशीन। इसके हम लोग 3 से 4 सेट्स लगाएंगे 10 से 12 रेपिटेशंस के लिए। ये मशीन आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी गाइस, हर जिम में ये अवेलेबल होता है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर करिए। ये आपके अपर क्वाड्स के जो ऊपर का लेग्स का एरिया होता है, ये उसको टारगेट करेगा, जिससे कि आपके लेग्स को बहुत बढ़िया लुक आएगा। सो जो थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है वो है रोमानियन डेडलिफ्ट। इसके भी आपको 3 से 4 सेट्स लगाने हैं 10 से 12 रेपिटेशंस के लिए। ये आपके हैमस्ट्रिंग के एरिया को टारगेट करेगा, जो कि होता है आपका 50% ऑफ द लेग्स एरिया। इसी से आपका लेग्स जो है स्ट्रॉन्गर दिखेगा एंड बिगर दिखेगा। इसको आप ज़रूर से ज़रूर ऐड करिए। जो फोर्थ एक्सरसाइज होने वाली है वो है स्टैंडिंग डंबल लंजेस। इसके हम लोग 3 to 4 सेट्स करेंगे 10 से 12 रेपिटेशंस के लिए। ये आपके ओवरऑल लेग का डेवलपमेंट करेगा, जो आपका क्वाड्रिसेप्स का एरिया होता है और ग्लूट्स का एरिया होता है, ये इनको टारगेट करेगा। और मैंने काफ़ी जिम्स में देखा, लोग इस एक्सरसाइज को बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते, डरते हैं इस एक्सरसाइज को लगाने। गाइज, इस एक्सरसाइज के इतने बेनिफिट्स हैं, जो आपके बॉडी का पोस्चर होता है, ये ओवरऑल पोस्चर आपका डेवलप करेगा, और इसके काफ़ी मल्टीपल बेनिफिट्स है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर ऐड करिए। सो जो लास्ट एक्सरसाइज एंड फिफ्थ एक्सरसाइज होने वाली है वो है काफ रेजेस। इसके हम लोग 4 से 3 सेट्स लगाएंगे, जिसमें मैक्सिमम रेपिटेशंस आपको निकालने हैं। एक सेट में जितने रेपिटेशंस निकल सके, 20 रेप, 30 रेप, 40 रेप आप निकालिए, आपका अच्छा काफ का डेवलपमेंट करेगा ये। ओके सो गाइस, ये था मेरा लेग्स का वर्कआउट। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होंगी। ये कुछ एक्सरसाइज ऐसे थी जो मेरी बिगिनिंग में मुझे बहुत हेल्प किया था। मेरा स्टार्टिंग में जो लेग्स ग्रोथ मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली थी एक्सरसाइज से। 3 मंथ्स के लिए आप ये एक्सरसाइज को फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपको नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए, एंड ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके बताइए। टिल देन, पीस।